परिचय लेते हुए युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि एहसास क्लब को याद जुड़कर देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस मौके पर यहाँ बुलाया, मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि होने का गौरव प्रदान किया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने वाला क्योंकि अभी मैच चल रहा है और बीच में व्यवधान पैदा हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक दो बातें आपको कहूँगा, पहली बात ये कहूँगा कि एहसास क्लब के सौजन्य से टूर्नामेंट हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो हमारा युवा वर्ग है हम देखते हैं, सुनते रहते हैं आस पड़ोस में और अपने समाचार पत्रों में भी हम पढ़ते हैं जो बुरी आदतों की तरफ, बुरी कार्यों की तरफ आजकल चल पड़े हैं, नशा कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, अपने संबंध खराब कर रहे हैं, अपने समाज में अपने घरवालों के साथ सबको रोक देते हैं। इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हम लोग अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाते हैं, अपना अच्छा स्टेमिना बनाते हैं, कसरत करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं एहसास क्लब को बधाई देता हूँ और जो यहाँ पे इस वक्त जो मेरे सामने दो टीमें हैं इनको भी बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे और जो बुरी लत आजकल समाज में चल रही है उससे आप दूर रहेंगे और जो आपके साथ दूसरे भी जुड़ लोग हैं उनकी तरफ से जिससे आपके साथी हैं उनका भी आप मार्गदर्शन करेंगे, इन्हें भी याद डालेंगे कि वो खेल की तरफ जाए, जुड़ी नहीं कि वो क्रिकेट ही हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो और कुछ ना हो, कुछ दौड़ हो, सुबह के टाइम में कसरत करें, व्यायाम करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपना योगदान। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब हम खेलते हैं और मैं जानता हूँ कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, जरूर समझते होंगे, जब हम खेलें तो हम खेल भावना से खेलें, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। मैं महात्मा गांधी जी की एक बात को हमेशा कोट करता हूँ कि हम जो लक्ष्य लेके चलते हैं उस लक्ष्य को, उस ध्येय को हमें प्राप्त करना होता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने जो साधन और संसाधन लाने हैं वो बड़े पवित्र होंगे। अब हम जब खेल रहे होंगे तो दो टीमें खेल रही हैं, निश्चित रूप से एक टीम विजयी होगी और एक टीम विजयी नहीं होगी, लेकिन कौन विजयी होगी और कौन विजयी नहीं होगी ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमें किस खेल भावना के साथ, क्या हमें अच्छी खेल भावना के साथ खेला कि नहीं। अगर हम सिर्फ जीतने के लिए हम बॉडी लाइन अटैक करें, किसी को बॉल मारें, किसी के सर में मारने की कोशिश करें तो खेल की पवित्रता को भंग करता है और इससे हमारे अंदर की जो खेल भावना होती है, जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, हमारे अंदर जो खेल के प्रति और अपने लोगों के प्रति जो ईमानदारी की भावना होती है वो उसमें नहीं टिकती है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब हम खेलें